जब हमने बात की तो तुमने मुझे बताया कि इसमें कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है। मैंने सही कहा ना? सही कहा मरी, मैं पॉलिटिकल नहीं हूँ, मैं तो बस लोगों को हंसाना चाहता हूँ। तो क्या करीना कपूर नहीं होंगी यश की फिल्म टॉक्सिक का हिस्सा? मेकर्स ने जारी किया बयान। रॉकिंग स्टार कहे जाने वाले यश साल 2025 में टॉक्सिक नाम की फिल्म लेकर आने वाले हैं। लंबे समय से ये फिल्म सुर्खियों में है और अक्सर ही इससे जुड़ी कोई ना कोई नई जानकारी सामने निकल कर आती रहती है। हाल ही में एक रिपोर्ट में बताया गया कि करीना कपूर भी इस फिल्म का हिस्सा होने वाली है और सिर्फ करीना ही नहीं बल्कि श्रुति हसन और सई पल्लवी का नाम भी इस फिल्म से जुड़ा। हालांकि अब मेकर्स ने एक स्टेटमेंट जारी कर इन सारी बातों पर विराम लगा दिया है। मेकर्स की तरफ से कहा गया, टॉक्सिक की कास्टिंग से जुड़ी कई बेबुनियाद जानकारी चर्चा में है। फिल्म को लेकर जो एक्साइटमेंट है हम उसकी सराहना करते हैं, लेकिन हम सभी से अफवाहों से बचने की रिक्वेस्ट करते हैं। फिल्म की कास्टिंग प्रोसेस पूरी होने वाली है, हमारे साथ जो टीम है हम उसको लेकर काफी उत्साहित है। हम हर किसी से विनती करते हैं कि फिलहाल ऑफिशियल ऐलान का इंतजार करें। बहरहाल यश ने साल 2023 में इस फिल्म की घोषणा की थी। इसका डायरेक्शन गीतो मोहनदास कर रही है। KVN प्रोडक्शन और मानसर माइंड क्रिएशन इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रही है। KGF की सफलता के बाद से यश के लिए लोगों की दीवानगी काफी बड़ी है। फैंस बेसब्री से टॉक्सिक का इंतजार कर रहे हैं। ये फिल्म 10 अप्रैल 2025 को रिलीज होने के लिए तय है। इसके अलावा फैंस को KGF की अगली किश्त KGF 3 का भी इंतजार है। अभी मेकर्स की तरफ से टॉक्सिक को लेकर कुछ ज्यादा जानकारी तो सामने नहीं आई है, लेकिन ऐसा कुछ कहा जा रहा है कि ये एक एक्शन फिल्म होगी जिसकी कहानी ड्रग माफिया के बैकड्रॉप पर सेट होगी। खैर अब देखना होगा कि स्टार कास्ट को लेकर मेकर्स की तरफ से ऑफिशियल ऐलान कब तक होता है।